अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक बात जो है वो हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, वो ये है टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ की तादाद इक्वल होगी, देन दे कैन बी मल्टीप्लाइड, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए इज़ इक्वल टू 1, 2। अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है और नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है, वो भी 2 है। ठीक है, तो दे कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, दे कैन बी मल्टीप्लाइड। अब देखें ए बी में हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें फर्स्ट एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से और 2 को 4 से, और आंसर जो है वो हमेशा रो में लिखना है, आपने कितार में लिखना है। ठीक है, यानी 1, 3 और 2, 4, तो 1 × 3, 3; 2 × 4, 8। ठीक है, मतलब आपने जिस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने आंसर जो है वो रो में ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में आपने आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल। ठीक है, तो लेट्स टेक एन सेकंड एग्जांपल, इसमें हम देखते हैं कि ए जो है वो 1, 2, 3, 4 है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, इन नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम एन से शो करते हैं, और इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, वो भी 2 है। तो m इज़ इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ रोज़ के। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है, तो द मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, देन बी को लिखेंगे। ठीक है, तो देखें ए की जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को -1 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे, 1 को -1 से और 2 को 1 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो हमने फर्स्ट रो में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट रो में यानी पहली कतार में हमने लिखना है। नौ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के फर्स्ट मेंबर को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, 4 को 1 से। तो आंसर सेकंड रो में लिखना है, क्योंकि ये सेकंड रो है ना, तो आंसर सेकंड रो में लिखना है। तो 1 × -1 -1, 2 × 1 1, 3 × -1 -3, 4 × 1 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के क्या थे, इक्वल थे। नाउ टेक द थर्ड एग्जांपल, अब हमने थर्ड एग्जांपल जो है वो यही ली हुई है। मैंने क्या किया है कि जो मैट्रिक्स ए था इसको बी बना दिए, जो बी मैट्रिक्स था उसको ए बना दिए। ठीक है, यानी -1, 1, ये जो बी था उसको ए कह लिए और बी जो ए जो है उसको बी कह लिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो एक है, और सेकंड मैट्रिक्स में हमने क्या देखनी है, नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, अब इसमें देखें रोज़ कितनी है, वो 2 है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक ही है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी। ठीक है, दैट इज़ एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, तो एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो इम्पॉसिबल है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होगी, देन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, अदरवाइज़ हम लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह की आप और डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो लें और उनकी आप प्लेस चेंज करें, और प्लेस चेंज करके आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कई दफ़ा जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो हम कह सकते हैं कि ए बी, इसमें अगर हम देखें तो ये ए बी का आंसर है ना,
ए भी ये है और बी ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह की और नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपने पास से मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो जनरेट करें और उनको मल्टीप्लाई करके देखें जो है आपकी असाइनमेंट है, होमवर्क है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।